कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट और वैक्सीन की खोज के बाद लोग कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार लापरवाही दिखाई दे रहे हैं। आम जनता ही नहीं, यहाँ तो नेता भी इन दिनों कोरोना संक्रमण को लेकर बेपरवाह दिख रहे हैं। ताजा मामला आरा का है, जहाँ बीते दिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बीजेपी के कार्यक्रम किसान सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद कोरोना काल में बिना मास्क के दिखे। इतना ही नहीं, सम्मेलन में मौजूद ज्यादातर लोगों ने भी मास्क का प्रयोग नहीं किया, जो साफ तौर पर कोरोना संक्रमण को न्योता देने वाला है। आपको बता दें कि सम्मेलन में शामिल हुए मंगल पांडे ने कहा कि हमने चुनाव के समय कहा था कि अगर हमें बिहार की जनता का दोबारा सेवा करने का मौका मिला तो बिहार की जनता को कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीका लगेगा। अब उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं उन्होंने सम्मेलन में मौजूद लोगों से कहा कि आरा में रहने वाले लोग निडर हो गए हैं, मानो कोरोना तो खत्म ही हो गया हो, क्योंकि यहां भी किसी ने मास्क नहीं लगाया है। अगर कोरोना होता तो लोग मास्क लगा कर रहते। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंगल पांडे ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और विपक्ष पर मंगल पांडे ने तंज कसते हुए कहा कि राजद की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सबने मिलकर विकास पर सवाल उठाए। उनका कहना था मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने की यह घोषणा गलत है, सरकार बनने पर टीका मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमने अपनी बातें सच करके दिखाई। आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि रविवार को आरा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान किसान सम्मेलन में खुद मंगल पांडे बिना मास्क के देखे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंगल पांडे खुद बिना मास्क के हैं और साफ साफ उन्होंने आरा की जनता को कहा है कि आरा की जनता भी तो निडर हो गई है, क्योंकि यहाँ भी किसी ने मास्क नहीं लगाया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में कोरोना काल खत्म हो रहा है, क्या कोरोना खत्म भी हो गया है।